नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, रोहित शेट्टी ने अपनी अपकमिंग कॉमेडी मूवी की अनाउंसमेंट कर दी है और इस मूवी के स्टार कास्ट में कौन से एक्टर्स रहेंगे, क्या वो गोलमाल 5 है, क्या सिंघम 3 है या कोई और फिल्म है, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप भी अगर रोहित शेट्टी के ट्रू फैन है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रोहित शेट्टी ने अपनी अपकमिंग मूवी कॉमेडी मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया और पूरे बॉलीवुड को हिला दिया, शॉक लगा दिया दोस्तों, क्योंकि सबको लगता था कि रोहित शेट्टी सूर्यवंशी के बाद अपनी जो नेक्स्ट फिल्म लेके आने वाले हैं और उस फिल्म का नाम रहेगा गोलमाल 5 या फिर सिंघम 3 अजय देवगन की। लेकिन दोस्तों उन्होंने सबको शॉक दे दिया और उनकी नेक्स्ट फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया और उस फिल्म का नाम है अंगूर। फिल्म का ऑफिशियल रीमेक रहेगा और दोस्तों इस फिल्म में हमें बॉलीवुड के पहले सुपर हीरो क्रिस यानी कि ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों इससे पहले रोहित शेट्टी और ऋतिक रोशन सत्ते पे सत्ता फिल्म का रीमेक में एक साथ काम करने जा रहे थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से उस फिल्म को डिले कर दिया। लेकिन अब फिर से ये जोड़ी हमें बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी और तबाही मचा देगी, पूरा बॉक्स ऑफिस हिला देगी। अगर रोहित शेट्टी जो फिल्म को डायरेक्शन दे और उस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन भी देखने को मिले तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूटना तो बनता है दोस्तों। दोस्तों अंगूर फिल्म का रीमेक एक कॉमेडी फिल्म रहेगी और दोस्तों काफी अरसे के बाद हमें ऋतिक रोशन एक कॉमेडी फिल्म में नजर आ सकते हैं। अभी तक इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस फाइनल नहीं हुई, लेकिन दोस्तों इतना तय है कि ये फिल्म क्रिस 4 फिल्म से पहले आएगी, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि क्रिस 4 की स्क्रिप्टिंग पर काम चालू है। और दोस्तों जिस तरह से ऋतिक रोशन अपने फैंस के लिए बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्म लेके आने वाले हैं, उस हिसाब से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित होगी, क्योंकि वॉर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 320 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया था और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। अभी तक दोस्तों ये रोहित शेट्टी और ऋतिक रोशन की फिल्म कॉमेडी फिल्म, उस फिल्म का टाइटल ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ और इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, पर दोस्तों जल्द ही हमें इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है और इस फिल्म की पूरी स्टारकास्ट भी देखने को मिल सकती है, बजट और स्टोरी भी जानने को मिल सकती है। और कब ये फिल्म रिलीज होगी, जब भी इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी मैं आपको हमारी चैनल में बता दूंगा। तो दोस्तों चैनल में बने रहे और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले।